अरे यार 3:15 हो गए, उठो। लूंगा। सभी जा रहे हैं ना, फिर बिपाशा ले जाएंगे, फिर तुम अकेले रह जाओगी यहाँ पे। उठो ना, 3:15 हो गए, उठ जाओ। अरे मुझे पता भी तो नहीं है कि मैं जाऊंगी, पर तुम पागल बनाने के लिए आए हो। टाइम देखो, सामने तो घड़ी लग रही है। आज भी नहीं घूम रहे। उठो गाइस, टाइम हो चुका है फिक्स, 3:15 हो गए, और मैं इसको 3 बजे से उठा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रही? सही में नहीं जा रही? विपाशा गाइस को ले जाए। ठीक सुबह के ना 3 बज रहे, और देखो क्या चल रहा है। बिल्कुल 3:30 हो गए हैं, 3:30 हो गए, 4 बजे ट्रेन है हमारी, 4:30 बजे टाइम है अभी। 4:20 मिनट। बिल्कुल जोरों शोरों से विपाशा जी का काम चल रहा है, पूरी का 4 बजे का नौता सबको जेवने का। गाइस हमारी ट्रेन निकलने वाली है और अभी कोई रेडी नहीं हो, खासकर ये दोनों भाई ना। मैं तो बिल्कुल रेडी होके बाहर खड़ी हूँ। गाइस इन्होंने ना हमको ऐसी ट्रेन में फंसा दिया। देखो अभी ट्रेन का व्यू दिखाते तुमको, ये ट्रेन का व्यू इनकी वजह से हुआ है सब कुछ। अभी ये कंडीशन थी, ये पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ बाय प्लेन जाते हमको। तो पापा कैसा लग रहा है आपको बता दीजिए एक बार। आओगे दोबारा? गाइस अभी है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये 2 मिनट का ना गैप है बस, नहीं तो ना इस ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि ना एक पैर रखने की जगह नहीं थी। हम ऐसी हालत में आए थे। अभी आप एडजस्ट हो गए ना अच्छे से? लेट जाओ। गाइस मैं ना बेबी को इधर ले आई हूँ बुला के ना। कैसा कैसा फील हो सर, आपको कैसा फील हो रहा है? नींद नहीं आई? सन वेस्ट हो गए ना? गाइस अभी ना हम मथुरा के पास खड़े हुए हैं, और देखो अभी ना सामने से खेत दिख रहे, इतने सारे कोहरा छा रहा है, हल्का हल्का व्यू बहुत मस्त है बाहर का। गाइस सब लोग गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और हम सब लोग उठ चुके हैं। इधर ये लोग बैठे हैं, इधर हाफ हाफ हम लोग बैठे हैं, और पापा ना देखो अभी भी ना ऊपर वाली सीट पे सो रहे हैं। और तुम्हारे ये ना ये इनको ना इतनी मस्त नींद आ रही ट्रेन में ना, ऐसे बोल रहे हैं घर पे भी नहीं आई इतनी मस्त नींद है ना। पता ही ऐसे सो रहे हैं के ना, और क्या कंफर्ट तरीके सो रहे हो ना तुम। और गाइस मैं तो खा पी के सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ, और सोच रही हूँ जल्दी से स्टेशन आ जाए। मैं पहले मैं मुँह धो के अपना मेकअप कर लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ। दिल्ली का स्टेशन। गाइस आज मैं पहली बार है लाइफ में दिल्ली का स्टेशन देख रही हूँ, क्योंकि मैं कभी इधर की साइड आई नहीं। कौन से अरे राजस्थान थोड़ी ना है ये। तू राजधानी है ये। मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं आती इधर की, मैंने सिर्फ कोटा का सफर करा है। ये मेरा मजाक बना रहे हैं क्योंकि ना दिखाते देखो ये लोग है ना, इसलिए मजाक बना रहे क्योंकि अभी तक मैंने कुछ जानती नहीं हूँ। नहीं नहीं जानना सिखा देंगे। निजामुद्दीन है हाँ दिल्ली का। ओके सबसे बड़ा स्टेशन ठीक है। वैसे दिखे जैसे जयपुर का होता है 2-3 स्टेशन होते हैं, वैसे दिखे है जयपुर से ज्यादा है। कितने स्टेशन है? मेरे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आओ। और भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का बड़ा हुआ। गाइस हम है ना दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच गए, और अभी माता श्री है ना नेल पेंट लगाने लग रही है, अभी से तैयारी चालू हो चुकी है इनकी जाने की। बिल्कुल मत करा। गाइस जादू दिखाते हैं देखो, दिखाओ ना क्या दिखा रहे थे अंकल। एक नींबू डालने के बाद में डाल वाले हिस्से में
मशीन को घुमा के घुसाना है और कुछ नहीं करना है। घर में दाल बनी हो या सब्जी, खाना खाने पहले सोनू के पापा को बिठा दो, पहले जूस सोनू के पापा को, फिर सोनू के चाचा को, फिर सोनू के ताऊ को, भैया सोनू को, मोनू को, मोनी को, सोनी को, फिर मोनी को, फिर मोनी की मम्मी को, अड़ोसी पड़ोसी सब छक जाएंगे एक नींबू में। नींबू हमारे पास में है, चाकू से काट के अगर कोई भाई इतना जूस एक नींबू में निकाल दे तो 500 रुपए का नोट इनाम में हम देंगे। अब कहोगे इसमें बचा क्या होगा, भैया नींबू को भी फाड़ के आपके सामने आपको हम दिखाएंगे। गाइस ने ना सोनू मोनू दोनों का नाम ले लिया तुम्हारे साथ। गाइस मैं ना किसी का वेट कर रही हूँ, इतना अच्छा गाना बजा रहे एक भाई साहब, बस आने वाला। ट्रेनों का यही मजा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने पैसे भी निकाल लिए देने के लिए। बहुत लंबा आदमी है, ना हमारी डिमांड पे ना भी दूसरा सॉन्ग बजाएंगे। गाइस देखो ट्रेन लेट होगी, चक्कर में मैंने ट्रेन में मेकअप कर रही हूँ। मेरा नया आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा सफेद हो गया, बहुत ज्यादा सफेद हो गया ना। अभी रुको, मैंने लिपस्टिक और लाइनर कुछ नहीं लगाया, इसलिए लग रहा है मुझे। गाइस मैं रेडी हो गई, बस अब मुझे ड्रेस पहननी है, जल्दी से चंडीगढ़ पहुंच जाऊँ मैं। क्या हो गया अम्बाला से? गाइस हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं है हम कुछ साहिबजादा एक स्टेशन है वहां पर पहुंच गए हम। बस उतरने वाले देखो हमारे बैग वैग, और मैंने ना ड्रेस चेंज है ना ट्रेन में की थी, मैंने जो भी पहन रखा ना उसी के ऊपर पहन लिया मैंने। साहिबजादा स्टेशन, और यहाँ इतनी ठंड है, हमको ट्रेन में ना बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी और अब इतनी ठंड लग रही है। इनकी तो कुल्फी जमने वाली है ऐसा लग रहा है।